What's up guys, Apple guy here. Welcome back to another video. और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं iPhone ने कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स के बारे में जिसका पता होना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। नाउ लेट्स तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम ट्रिक नंबर वन के साथ। तो यहाँ पर आईफोन के अंदर स्पॉटलाइट फीचर तो हम सभी यूज़ करते हैं जो कि हम होम स्क्रीन के ऊपर रहकर एक्सेस कर सकते हैं, पर इसका डाउनफॉल सबसे बड़ा ये है कि हम इसको किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं इसे ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप बड़े आराम से किसी भी थर्ड पार्टी या फिर फर्स्ट पार्टी स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर रहकर भी इसी तरह से स्पॉटलाइट का यूज़ कर पाएंगे बिना होम स्क्रीन पर जाए। तो सबसे पहले चले जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटीज़ के मेन्यू में चले जाना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो एसेसिव टच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसका टॉगल ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सिंगल, डबल और लॉन्ग प्रेस। इसमें से आप जो उनसे पे कंफर्टेबल हो वो आपको चूज़ कर लेना है। मैं फिलहाल सिंगल टैप को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है तो नीचे आपको स्पॉटलाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर चेक मार्क कर लेना है। अब आपका काम हो चुका है। अब जैसे आप एसेसिव टच को प्रेस करेंगे आपके स्पॉटलाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी कोई सी भी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर एप्लीकेशन कोई सी भी हो, फर्स्ट पार्टी हो या फिर थर्ड पार्टी हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली अपने एसेसिव टच पर इसे सिंगल प्रेस करना है। सिंगल या डबल दोनों से आपने चूज कर रखा हो, जिसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने स्पॉटलाइट वहीं के वहीं ओपन हो जाएगी बिना होम स्क्रीन पर जाए और बिना एप्लीकेशन को एग्जिट किया आप बड़े आराम से यहीं के यहीं एप्लीकेशन के अंदर स्पॉटलाइट को यूज़ कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर आप अपने आईफोन के अंदर कॉल की ऑडियो राउट बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर चले जाना है सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटीज़, उसके अंदर टच। टच के अंदर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉल ऑडियो राउटिंग का, उस पर टैप कर लेना है। इसके अंदर कहीं भी आपको ऑन ऑफ का टॉगल देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक, ब्लूटूथ हेडसेट और साथ में स्पीकर का। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपके पास कॉल आएगा और यहाँ पर अगर आपने स्पीकर का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है तो जैसे ही आपके पास कॉल आएगा और आप रिसीव करेंगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्पीकर पर चले जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ये ट्रिक जब बहुत काम आती है जब आपका ईयरपीस खराब हो और कॉल रिसीव करने के बाद आपको मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा स्पीकर का ऑप्शन, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्पीकर पर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ हेडसेट का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आपका आईफोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ पर भी शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर आप अपने आईफोन के अंदर बड़े आराम से किसी भी वेब पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेते हैं हम सफारी को और चले जाते हैं एप्पल की वेबसाइट पे। एप्पल की वेबसाइट नहीं, आप किसी भी वेबसाइट को बड़े आराम से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए एप्पल की वेबसाइट ले रहा हूँ। यहाँ पर बॉटम में आपको एक शेयर का आइकन देखने को मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत पर, उस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है मार्कअप, उसके ऊपर भी आपको टैप कर लेना है और डन, आपका काम हो गया। आपका वेब पेज एक पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके ऊपर आप बड़े आराम से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से एडिट का ऑप्शन हाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और साथ में इसको आप शेयर भी कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में और फाइल्स के अंदर भी सेव कर सकते हैं। जो आईफोन का एक डिफॉल्ट फाइल मैनेजर वाला एप्लीकेशन होता है उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर टॉप पर डन का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको डिलीट पीडीएफ का, जिससे प्रूफ हो जाता है ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये आपके वेब पेज का एक पीडीएफ का फॉर्म है। तो यहाँ फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो बात कर लेते हैं एक लास्ट ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का अपने पिक्चर्स के ऊपर टेक्स्ट या फिर कोई सी इमोजी ऐड करने के लिए। बहुत सारे लोग तो पेड एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हैं ये वाला छोटा सा काम करने के लिए, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बड़े आराम से बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करें अपने आईफोन के डिफॉल्ट फोटोज आपका यूज़ कर ही ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाली फोटो ओपन करने के बाद ऊपर एडिट पर टैप कर लेना है, यहाँ पर ट्रिपल डॉट पर टैप करना है, उसके बाद नीचे मार्कअप वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है और यहाँ पर बॉटम में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लस आइकन के साथ, उस पर टैप कर लेना है, यहाँ से टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है एंड डन, आपका काम हो गया। यहाँ पे आप बड़े आराम से इसका यूज करके इमोजी या फिर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं अपने पिक्चर के अंदर। अब जल्दी से टाइम लैप्स के अंदर हम एक डेमो भी छोटा सा देख ही लेते हैं। तो बस इसी तरह से आप बड़े आराम से अपने पिक्चर के अंदर टेक्स्ट या फिर इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको सिंपली डन वाले बटन पर टैप कर देना है। एक डन आपको बॉटम में देखने को मिलेगा और एक डन आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, दोनों डन पर आपको टैप कर देना है, आपका डॉक्यूमेंट बिना किसी दिक्कत के सेव हो जाएगा। तो बस यार ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मुझे लगा कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और बताना कि ये सारी ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है और लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।